गुड इवनिंग है सभी को। आज बहुत टाइम के बाद लाइव आए हैं और थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बेसिकली बहुत सी मीटिंग्स चल रही थी। हालांकि कल भी हमारा लाइव आने का था पूरा प्रोग्राम, पर कल लाइव नहीं आ पाए। रीज़न क्योंकि कल भी बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी और लेट हो गए मीटिंग्स में। आज भी मीटिंग्स चल रही थी, कोशिश कर रहे थे कि 7:30 बजे तक लाइव करें, बट 7:30 बजे तक हम लाइव नहीं आ पाए। बट अब हम लाइव आ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हैं और सब लोग मस्त हैं, बढ़िया हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक बार बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएं। मोहन जी कैसे हैं आप? नित्यानंद जी बढ़िया बिट्टू सर, आप बताओ। और कैसे हैं आप? बढ़िया है सब। आज जो लाइव करने का जो एजेंडा है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली हमने एक चेंज किया है। जस अभी एक चेंज किया है हमने अपनी लाइफ के अंदर। और वो चेंज क्या है, आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करीब करीब आज 5 से 6 साल मुझे हो चुके हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके मैं बता देता हूँ, उनको मैं बता देता हूँ कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करीब करीब 13 साल मैंने जॉब किया है। बिलोंग करता हूँ मैं हरिद्वार से और दिल्ली NCR में आया 2005 में, क्योंकि जॉब करनी थी तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनीज या तो दिल्ली में थी या बेंगलोर में थी, राइट? तो स्टार्ट मैंने वैसे बेंगलोर से किया था अपना करियर, फिर उसके बाद मैं दिल्ली NCR आ गया क्योंकि हमारा घर दिल्ली NCR के नियर बाय है, राइट? सो हेलो अजीत जी, हेलो धीरज जी, कैसे हैं आप सब लोग? ग्रेट ग्रेट। तो दिल्ली NCR में करीब करीब 13 साल मैंने जॉब किया। 20 लाख रुपए का मेरा पैकेज भी हुआ करता था जॉब में, और 20 लाख का पैकेज एक अच्छा पैकेज होता है जॉब के अंदर, राइट? एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, राइट? US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैंने जॉब किया है। लास्ट 5 साल मैंने वहीं निकाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुआ 2015 में, और मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, सुना बहुत था कि किसी ने करी है या उसने करी है, बट कभी समझा नहीं था। बट स्टार्ट किया अपना जर्नी 2015 में, और मात्र 2 साल में मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया। सिर्फ 2 साल के अंदर पार्ट टाइम में डेवलप करता रहा और 2 साल में अपनी जॉब को क्विट कर दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से आने लगा। 4 साल हमने उस प्लेटफॉर्म पे काम किया। उसके बाद एक डिसीजन लिया हमारी लीडरशिप ने, जिस लीडरशिप में आते हैं सोनू शर्मा जी एंड गौरव भाटिया जी जी। इस लीडरशिप के अंदर जो आते हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब हम कंपनी को चेंज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि वी वर ब्लाइंडली फॉलोइंग लीडरशिप को, क्योंकि यहाँ पर चीज़ सिखाई जाती है कि लीडरशिप को आपको फॉलो करना है। तो हमने पूरा फॉलो किया। मुझे नहीं पता था कि प्लान क्या है, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर पैसे कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता था कि कैसे उसमें बड़ा किया जा सकता है। बट एक विश्वास था लीडरशिप के ऊपर कि यस, ये जहाँ जा रहे हैं तो यहाँ जाएंगे तो बढ़िया ही होगा। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया उस प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म को मैंने इस बार छोड़ा है। जी हाँ, और मैं बात कर रहा हूँ इस समय वेस्टीज की। जी हाँ, वेस्टीज का सफर मेरा स्टार्ट हुआ था सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में मेरा सफर स्टार्ट हुआ वेस्टीज का, और पहले ही साल मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। पहले ही साल में मैंने 2.5 लाख की इनकम को टच किया। जी हाँ, अक्टूबर 2020 में मेरा हाईएस्ट इनकम था 2.5 लैक्स इसी प्लेटफॉर्म से, और मैं उस समय क्राउन डायरेक्टर था। मार्च 2021 में मैंने मर्सिडीज लिया, क्योंकि एक सपना था जिंदगी में कुछ बड़ा करने का। और बहुत सारे लोगों का सपना होता है ना लग्जरी कार, कि कभी लग्जरी कार लेंगे, तो वो मैंने सपना पूरा किया यहाँ पर, राइट? और बहुत मेहनत करी, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है। बट ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे थे? ये सारी चीजें हम कर रहे थे एक चीज के लिए, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कि आपके पास टाइम हो, आपके पास जिंदगी में पैसा हो, और आपके पास सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो।
ये तीन चीजें होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बताई जाती हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये तीन चीजें मिलती हैं। 2 साल मेहनत करी और मेरे लिए ये इमोशनल डिसीजन था जब मैंने वेस्टीज को क्विट किया। जी हाँ, इमोशनल डिसीजन था ये मेरे लिए, बट ये डिसीजन लेना पड़ा मुझे। इसके कई सारे रीजन हैं इसके, ठीक है, बट मैं आपको आज वो रीजंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो बताया जाता था, फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। वो फाइनेंस सिक्योरिटी आज यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, और मैं आपको बता देता हूँ इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन क्या है। और ये आज आप खुद भी देख सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि TSS में क्या पे आउट चल रहा है, तो आप सब लोग वो जानते भी होंगे, राइट। मेरा एक सवाल ये है कि आज पिछले करीब करीब 6 महीने से, राइट, किसने अभी तक अपना हाईएस्ट पे आउट दिखाया। आज मैं डायरेक्टली पूछता हूँ और मैं डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम है, राइट, वो आज कितनी इनकम कर रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे मिस्टर गौरव भाटिया जी को, राइट, जो बोलते हैं कि हमारा हाईएस्ट इनकम 13 लाख रुपए है। वो दिन सोनू सर बता रहे थे कि 15 लाख रुपए करे हैं, हालांकि 15 लाख तो कभी करे नहीं है, 13 लाख हाईएस्ट इनकम था। पिछले महीने का इनकम कितना है? देखो, फॉलो करना पड़ेगा उन्हीं को, राइट, जिनके पास अचीवमेंट्स हैं और वो हमने किया भी है। बट मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने का इनकम क्या है, या उससे पिछले महीने का इनकम क्या है, पिछले 4 महीने से 5 महीने से कौन अपना इनकम दिखा रहा है। सर देखो, सिंपल सी बात यह है कि जब टॉप लेवल के लीडर्स का चेक डाउन जा रहा है, जब टॉप लेवल के जो मेन लीडर्स हैं, जो हमें सिखाते हैं, जब उनका इनकम नहीं आ रहा है, उनका इनकम डाउन जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? क्या आपको लगता है कि वहां पर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं? एक आम आदमी जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना, वो ये देख कर आता है कि यहाँ मुझे जिंदगी में कभी पैसिव इनकम मिलेगी, यहाँ जिंदगी में कभी मेरे पास भी टाइम फ्रीडम होगी, वो ये सोच के आता है। बट क्या आज उसके पास सच में ये सारी चीजें हैं? नहीं है सर। 2 साल मेहनत करा, 2 साल मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर हम नीचे वाले लोगों को सपोर्ट नहीं दे पा रहे, नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि यहाँ का प्लान ही ऐसा था कि अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आपको मल्टीपल लेग्स क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। अगर आज आपको 15,000 का इनकम करना है तो आज 2 लाख पे आप सिल्वर जाइए, अगर आपको 30-40 हज़ार का इनकम करना है तो आप गोल्ड जाइए, अगर आप 50 से 60 या 70 हज़ार 80 हज़ार का इनकम करना चाहते हैं या 1 लाख का, तो आपको स्टार या उससे ऊपर जाना पड़ेगा, मल्टीपल लेग्स क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। और जब भी आप नई लेग क्रिएट करने जाएंगे, तब आपको किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा। अगर जल्दी आपको इनकम करनी है तो जल्दी छोड़ना पड़ेगा, और वो लेग अभी इतनी मैच्योर नहीं थी। तो जब हम पुरानी कंपनी से जब हम वेस्टीज में आए, तो पहले साल हमने दबा के मेहनत करी, सबने अलग अलग लेग्स दबा के खोली, दबा के काम किया, मल्टीपल लेग्स खोल डाली। मैं 15-18 महीने में UCD हो चुका था, यानी मैंने 8 लेग डेवलप करी, बट अल्टीमेटली मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, मेंटेनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आज टॉप लीडर्स भी फेस कर रहे हैं, और वो इनके पे आउट्स बनाते हैं, उनके पे आउट्स बता रहे हैं, राइट। आप पूछ सकते हैं कि क्या पे आउट्स है लास्ट 3 से 4 महीने के, क्या पे आउट्स आ रहे हैं इस समय। मैं आपको बता देता हूं कि मार्च के बाद से टॉप लीडरशिप ने कोई पे आउट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बनेगा तो दिखाएंगे, या बढ़ेगा तो दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई, और मुझे ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर आने का जो डिसीजन था, राइट, वो मेरा नहीं था, वो टॉप लीडरशिप का था, और वो डिसीजन सही नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ गई, और ये बात सिर्फ मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये बात उन सभी लीडर्स को समझ में आ रही है जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग
बहुत से लोग आज क्विट कर चुके हैं, बहुत से लोग, जी हाँ, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं, राइट। मेरे साथ आज गौरव मिश्रा जी हैं, राइट, जिन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुराना कंपनी था, वेस्टीज से पुराना कंपनी जहाँ पर उन्होंने मर्सिडीज अचीव किया, उसके बाद फिर वेस्टीज में आए और एवरेज पे आउट 1.5 लाख रुपए के आसपास रहा, एवरेज पे आउट, राइट। तो मैं चाहूँगा कि गौरव मिश्रा जी भी कुछ चीज़ें शेयर करें और हम साथ में बने रहेंगे। कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैम चैट पर हैं आपके साथ, कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो ओवर टू गौरव मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस एंड इट हैज़ बीन वंडरफुल। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर कह सकते हैं, और मैं कोरियन मल्टीनेशनल में काम करा करता था। कोरियन मल्टीनेशनल में काम करते करते मेरी बात हुई माई डियरेस्ट ग्रेटेस्ट अप्लाइंग, जिनका नाम आगे भी रोशन करूँगा, मिस्टर गौरव भाटिया, वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए। पहले 3-4 साल बहुत ही लाजवाब थे, ब्रदरहुड के थे, सब कुछ अच्छा था, बट फिर हमारी जो यहाँ एक्स कंपनी से पहले जो कंपनी, फर्स्ट कंपनी जो मेरी थी, दस बजे जो थी, उसमें कुछ दिक्कतें आई। प्लान आत्मसमर्पण हमने वो करा था, संपूर्ण आत्मसमर्पण के बाद हमको बोला गया कि आपको कंपनी चेंज करनी है, हम एक्स कंपनी में जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, कि द डियरेस्ट मेंटर्स सोनू शर्मा जी, संदीप नरवाल जी और गौरव भाटिया जी। अब परेशानी एक और थी, मेरी एक्स कंपनी में मेरे बीच के अप्लाइंस थे, उनसे मेरी दिक्कतें चलती थी, तो मैंने बोला मैं उनके नीचे नहीं जुड़ूंगा। बट इन्होंने कहा कोई नहीं, आप प्रोफेशनल डिसीजन ले रहे हैं तो सारे भाई एक साथ काम करते हैं और एक के नीचे एक जुड़ जाते हैं। गौरव भाटिया ने कहा काम तेरे साथ मैं करूँगा, बट मल्टी लेग की दिक्कत थी, 3 महीने बाद ही सर को अपनी लेग्स बनानी है, DUCD जाना है, वो मेरे साथ कैसे काम करेंगे, डेप्थ बेस्ड प्लान तो था ही नहीं है, डेप्थ में कैसे काम होगा। इन्होंने आते ही मल्टी लेग की दिक्कतें आ समझिएगा, आते ही क्या गेम खेला, मेरा एक डाउनलाइन था अजय मलिक, उससे डील करने को कहा गया कि भाई उसकी शायद ज़्यादा मल्टीपल लेग्स थी, वहाँ वो पुरानी कंपनी में अच्छा कर रहा था, तो उसको बोला गया कि तेरी 2 लेग मैं रखूंगा, 2 लेग मिश्रा ही रखेंगे, 2 लेग तू रख। अगर मल्टी लेग की दिक्कतें नहीं होती, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग जनरेशंस का बिजनेस है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको जनरेशन तक पैसा आएगा, जो आपके रहते रहते हुए आपके लोग ले जा सकते हैं, तो आपके जाने के बाद क्या करेंगे। इस फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप में काम करूँ, दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई थी। और आज लाइव मैं आया हूँ, इसका रीज़न क्या है, मेरा लाइव आने का बिल्कुल मन नहीं था, ठीक है, बट दिल दुखा है क्योंकि कुछ चीज़ें पता लगी हैं। गाला डिनर हुआ था और सुनने में आया वो गालियाँ डिनर था। सर आप लोग ना भूल रहे हो, नेटवर्किंग आपने भी करी, हमने भी करी है। आप जिन लोगों को बाहर फ़ोन ले आके बैठा रहे हो ना, फ़ोन बाहर रखवा रहे हो, रिकॉर्डिंग ना कर पाए, हमारे भी 2 बंदे वहीं हैं, हमारे 2 लोग जो हमारे साथ यहाँ साइन अप कर चुके हैं वो वहीं हैं, वो रिजाइन भी नहीं करेंगे। आप करो बातें, हम तक आएंगी सर। तो परेशानी बहुत सारी शुरू हुई, सारी बातें हुई, संदीप नरवाल जी से मेरे मतभेद बढ़ गए। आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, शिवा मिश्रा, संदीप जी अगर मना कर दें, शिवा मिश्रा किसका डाउनलाइन था सर, जो आज मेरा क्रॉस लाइन है। योगेश गोयल जी के नीचे से भूपेश मेरा निकाला गया, वो किसका डाउनलाइन था। मनदीप सिंह रतरा जी के नीचे से 3 लेग निकाली गई, वो किसके डाउनलाइन थे, क्योंकि मल्टी लेग की दिक्कतें थी, हमें तो प्लान पता नहीं था, हम तो आग मूंद के आ गए कि सर 2 लेग हैं, 2 लेग चला लेंगे। अब परेशानी ये हुई कि उनको तो क्लियर था मल्टी लेग कैसे चलती है, तो उन्होंने हमारी टीमें तोड़ दी। एक डाउनलाइन, एक क्रॉसलाइन बन जाए आपका माइंडसेट क्या कभी काम करने का बनेगा। मैं वही इंसान हूँ जो लास्ट कंपनी, जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, आज मुझे मेरे डाउनलाइन समझाते हैं कि आपको नेटवर्किंग करनी नहीं आती है। मेरी क्षमता मुझे याद दिलाने के लिए दोबारा आपका धन्यवाद, और बहुत अच्छा करूँगा आप, ठीक है। पहली कंपनी मेरे अप्लाइंस ने भी गाड़ी नहीं ली थी, मैंने अपनी होंडा सिटी निकाली थी, मेरी गाड़ी निकालने का मेरे अप्लाइंस ने गाड़ी का ट्रेंड चालू करा, मैकबुक का ट्रेंड चालू करा, सारी चीज़ें चालू करी। और ये झूठ है तो हम फॉर्म 26 दिखा देते हैं, और
ये पता है बेस्ट कंपनी क्यों है? क्योंकि कुछ तो डील है सर, कंपनी लुट जाए, पिट जाए, लोग छोड़ के चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। देखो सिंपल सी बात है कि जब एक्स कंपनी से, यानी कि जब नेस्विस से, राइट, सोनू सर ने डिसीजन लिया यहाँ आने का, राइट, तो वो डिसीजन बिल्कुल सही था, राइट। अब जब हम वेस्टीज से किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो क्या वो डिसीजन गलत हो सकता है? नहीं, उन्होंने वो डिसीजन लिया था तो वो सही था, हमने अगर डिसीजन लिया तो वो गलत हो गया। और जब उन्होंने डिसीजन लिया था तो वो जो भी डिसीजन था वो उनके थॉट प्रोसेस से था, राइट। और वेस्टीज जैसे आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिक गए, ये हो गया, वो हो गया, तो आप ये सवाल पूछिए, ये पूछिए कि जब वो लोग शिफ्ट हुए थे तो क्या हुआ था और उनको कैसे पता मार्केट में पैसा मिलता है, तो क्या हुआ था सर, राइट। अगर वेस्टीज से ही सबको पैसा आना था, अगर इस प्लेटफॉर्म से सबको पैसा आना था, ठीक है, तो आज इनके पेआउट्स कहाँ हैं, कहाँ हैं इनके पॉइंट पेआउट्स? लास्ट पेआउट मुझे जहाँ तक ध्यान है जनवरी में दिखाया गया था, जनवरी के अंदर सोनू सर ने जनवरी में अपना पेआउट दिखाया था, और गौरव भाटिया जी ने अपना पेआउट कब दिखाया था, लास्ट मार्च में, उसके बाद कभी पेआउट नहीं दिखाया, क्योंकि उसके बाद पेआउट बना ही नहीं, कम होता चला गया, राइट, कम होता चला गया। और पिछले महीने का पेआउट कितना है? पिछले महीने का पेआउट 6-6.5 लाख के आसपास है, जी हाँ, 6-6.5 लाख के आसपास, गौरव जी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर यही बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो इनके पेआउट नीचे क्यों जा रहे हैं, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये डिसीजन 100% नीचे के लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं था, जो लोग नीचे काम कर रहे थे उनके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं था, जो टॉप पे थे उन लोगों को 100% फायदा था, 100% फायदा था, कि जो भी डील हुआ, राइट। हमारे पास सारा डाटा है सर, सारा डाटा है। और मैं फिर से एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर 2 साल के बाद भी आपके पे आउट गिर रहे हैं, यहाँ पर बोला जाता है आपके मरने के बाद भी पैसा आएगा, अरे जीते जी तो आ नहीं रहा, जीते जी तो पे आउट गिर रहे हैं तो मरने के बाद कैसे आएगा भाई, सोचने की बात है ये, राइट। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज जब हम बैठे ही हैं, अभी मैं कोई देख रहा था, कोई लिख रहा है यार कितने में बिके, कितने में बिके, राइट। पहली बात तो ये कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, राइट, कि यहाँ बिकने बुकने वाला खेल नहीं है। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ कोई बिकने बिकने वाला सीन नहीं है सर, और अगर बिकने वाला सीन होता तो आज स्विट्जरलैंड में बैठे होते, आपके सामने लाइव नहीं कर रहे होते, स्विट्जरलैंड में बैठे होते ना, पैसे आ गए हमारे पास, अब बैठते हैं स्विट्जरलैंड में। अरे सर सिंपल सी बात यह है कि आदमी ने डिसीजन लिया या हमने डिसीजन लिया जो कि हमारे नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, राइट। मेरा तो एवरेज पे आउट 2-2.5 लाख रुपए था, और किसी को डाउट हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना फॉर्म 26AS, जिसमें मेरा एवरेज पे आउट 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको दिखाई देगा लास्ट 4 महीने का, समझने की जरूरत है। और अगर मैंने पैसा नहीं कमाया होता, राइट, वेस्टीज के अंदर, राइट, ये हमारी मैगजीन है सर, ठीक है, इस मैगजीन के अंदर मेरा अचीवमेंट है, ये मैगजीन बनाई गई थी, ये सोनू सर ने मैगजीन बनाई थी, और ये मैगजीन वो मैगजीन है जिसमें अचीवर्स की लिस्ट है, अचीवर्स यानी कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये मेरा मर्सिडीज अचीवमेंट का पेज है, ठीक है, जिसमें मैंने मर्सिडीज अचीव किया था, राइट, मेहनत करी थी क्योंकि पूरी जान लगाई थी, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करते थे, ठीक है। और अगर मैं पेआउट की बात करता हूँ, इनकम की बात करता हूँ, तो इनकम में अगर ये जो इनकम का डाटा है, ठीक है ना, ये सोनू सर की ही वो है, क्या कहते हैं, मैगजीन, तो इसमें मेरा नाम 9वें नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे, 9th, यानी कि मैं पूरे पूरे TSS में 9th रैंक पर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा है तो मैं 9th रैंक पे हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो पूरे TSS में 9th रैंक पर आता हूँ मैं,
फिर भी मैंने डिसीजन लिया ना, पर वो लोगों के लिए लिया, और मुझे क्लियर हो गया था कि यहाँ पर नीचे वाले लोग पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो जो सपोर्ट है, सपोर्ट, वो सपोर्ट यहाँ पर कभी नहीं मिल पाएगा नीचे वाले लोग। ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई थी, राइट। बट जब ये डिस्कशन मेरा हुआ, जब ये मेरा डिस्कशन हुआ सोनू सर के साथ, है ना, गौरव भाटिया सर के साथ, जब ये डिस्कशन हुआ मेरे, राइट, तो इन्होंने बोला, गौरव सर से जब भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला नई लेग बनाओ, और नई लेग बनाओ, पुराने अपने आप कर लेंगे जो करना है। पर मैं ऐसा नहीं सोच सकता था, क्योंकि जो लोग मेरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग हमारे विश्वास पे आए हैं हमारे साथ, उनके साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। रजनीश जी, कमेंटबाजी जो कर रहे हो ना, मैं आपको बता दूं, दानवान छोड़ो, अपने अप्लाइंस से पूछना गौरव मिश्रा कौन सा आदमी है, उसने क्या करा है उनके लिए, ठीक है सर। थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी हया बची हो तो आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। राइट, सो हमने डिसीजन लिया, और आज से कुछ दिनों पहले ही हमने विनफिनित को ज्वाइन किया, और मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, मतलब मुझे इतनी कॉल्स आई, मैं ये बोलूँगा कि मैं दिन भर, राइट, फ़ोन ही पिक करता रहा। पहले 2-3 दिन तो लगातार बॉम्बार्डमेंट थी कॉल्स की, राइट। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्यों क्विट किया, TSS को क्यों क्विट किया, TSS को क्यों क्विट किया, राइट, विनफिनित को क्यों ज्वाइन किया। तो TSS को क्यों क्विट किया, वो बात मैं अभी तक आपके साथ कर चुका हूँ, ठीक है। पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो कभी भी हमें इस प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकती, और वो कभी नहीं मिल पाएगी, चाहे जितना मर्जी हम भाग लें, और जिंदगी भर भागते रहेंगे, राइट। और दूसरी चीज, मैंने लीडरशिप की बात करी थी आपको। तीसरी चीज, मैंने फिर बताया कि यहाँ नीचे लोगों को सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये मल्टीपल लेग का प्लान है, मल्टीपल लेग। अरे मुझे तो प्लान भी नहीं पता था जब मैंने ज्वाइन किया था उस चीज को। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ने जहां बोला हम वहां हैं, जहां बोला हम वहां हैं, राइट। बट अब जब रियलिटी हमको क्लियर हो गई 1 साल के अंदर, क्योंकि मेहनत करने के बाद क्लियर हो गया कि 8 लेग चला ली, अब 8 लेग में जब मैं लोगों को नीचे सपोर्ट करूंगा तो कैसे कर सकता हूं? आप बताइए, 2 बच्चे पालने आसान है या 8? 2 को पाल के उनको अच्छे से सपोर्ट दिया जा सकता है, उनको अच्छे से उनको गाइडेंस दी जा सकती है, बट 8, 10, 12 कब तक, कितनी लेग बनाएंगे मेरे भाई, कितनी लेग? और मल्टी लेग की दिक्कतें अगर नहीं थी, गौरव भाटिया सर आपने मुझे जोड़ा था ना, तो ये डील क्यों होने लगी थी कि गौरव मिश्रा मेरा क्या फ़ायदा है अगर मैं तेरे नीचे काम करूँगा? आपको डाउनलाइन ही तो था सर, आपने क्या बोला भाई, 2 लेग तू बनाएगा, कॉलिंग तू करेगा, क्लोजिंग तू करेगा, फॉलोअप तू करेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, और 1 लेग मेरे डायरेक्ट में लगेगी। मल्टी लेग की दिक्कत नहीं थी सर मेरे लिए, नीचे अगर 2 लेग होती आपको पैसा नहीं आता? आता सर। ये बातें बोलने का मन क्यों करा है आपको भी अच्छे से पता है, हमारा कोई मन नहीं था लाइव आने का, हम तो शांति से निकल चुके थे, बट आप लोग नहीं मान रहे सर। देखो सर, सिंपल सी बात ये है, राइट, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं अराउंड में, देख पा रहा हूँ 61 पीपल हैं यहाँ पर, राइट। और ये 61 लोग जो भी बात सुन रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा सर, राइट, जिंदगी देती नहीं है, लौटाती है। कोई बोलता है ना, जिंदगी देती नहीं है, लौटाती है। कर्म फल सबने यही भोगने हैं दोस्त, यही भोगने हैं, और कहीं नहीं, यही भोगा जाएगा, राइट। तो जो जो हुआ है ना, वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें अपने आप रेप्लिकेट होती जाएगी, अपने आप रेप्लिकेट होती जाएगी, अपने आप सबको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि जब भी आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं, जब भी आप किसी पे विश्वास करते हैं, राइट, और वो जब ब्रेक होता है ना सर, तो बहुत दर्द होता है, और ख़ासकर जब अपने बहुत से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हों, जब अपने बहुत से लोग हमें ट्रस्ट करते हों, विश्वास करते हो, इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास करते हो, राइट, तो ये ट्रस्ट जब ब्रेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर, एनीवेज, ये सारी चीज़ों के ऊपर तो बात हो चुकी है, अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि विनफिनित को हमने क्यों स्टार्ट किया, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि विनफिनित क्यों, विनफिनित ही क्यों चुनी, राइट। तो मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि विनफिनित
करीब करीब पहले ही साल में विनफिनिट स्टार्ट हुई थी, एक वेस्टिज के ही लीडर हैं जिनका नाम है मंजूनाथ सर, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। और जब मंजूनाथ जी ने, जब मंजूनाथ सर ने छोड़ा था वेस्टिज को, तब उनका इनकम 45 लाख रुपए महीने का था। जब छोड़ा था, आई रिपीट, जब छोड़ा था तो 45 लाख रुपए की इनकम आ रही थी, और ये बात है मार्च 2020 की। जी हाँ, मार्च 2020 में छोड़ा था, और अप्रैल के अंदर, और उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया विनफिनिट को, और पहले ही साल 100 करोड़ का टर्नओवर किया, 100 करोड़। आज तक किसी भी कंपनी ने शुरुआत के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का अगर नाम लूँ तो पहले साल में 15 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किसी ने नहीं किया। और विनफिनिट ने लॉकडाउन के टाइम पे, जब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, आप सोचिए सर, जब गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकती थी, जब लोग घर के अंदर थे, तब स्टार्ट करी थी कंपनी, और पहले ही साल 100 करोड़ का टर्नओवर। इट्स हैट्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। दूसरी चीज़ मैंने फिर से बोला कि 2 बच्चों को पालना आसान है, या 6 बच्चों को, या 8 बच्चों को, या 10 बच्चों को, ऑब्वियसली 2 बच्चों को, और आप उसी को सपोर्ट दो, उसी को खिलाओ, उसी को ग्रो कराओ, तो और उसके ग्रो कराते कराते सबको अगर ग्रोथ हो रही है तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? आप बताइए कि ये बढ़िया बात है कि नहीं है? तो इसीलिए विनफिनिट का चुनाव किया। और जहाँ तक कि मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, इस समय 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स रेंज है हमारा, 100+ प्रोडक्ट रेंज है, और बहुत से टॉप लीडरशिप, जी हाँ, बहुत से टॉप लीडरशिप्स ऑलरेडी विनफिनिट में आ चुका है। सबसे पहले राम मकरानी सर, जो आज से 6 महीने पहले, जी हाँ, जो वेस्टिज में थे, जिनका हाईएस्ट इनकम 18 लाख रुपये महीने का था, उन्होंने वेस्टिज को क्विट करके विनफिनिट को स्टार्ट किया आज से 6 महीने पहले, और आज 6ठे महीने का इनकम उनका करीब करीब 10 लाख रुपए है, सिर्फ 6ठे महीने का, और वो भी सिर्फ 2 लाख से, सिर्फ 2 लाख से। आप ये बताइए, 2 लाख से 10 लाख कमाना ये बेटर है या 16 लाख से 10 लाख? आप सोचिए क्या आसान है। दूसरी चीज़, राहुल मकरानी जी के बाद मयूर चौधरी ने क्विट किया वेस्टिज को, और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। उससे पहले DCD अजय चड्डा जी ने भी वेस्टिज को क्विट किया और विनफिनिट को स्टार्ट किया। कोई तो रीज़न है जब ये टॉप के लीडर्स मूव कर रहे हैं, आप बताइए, कोई तो रीज़न है ना? अगर एक आदमी करता है तो समझ में आता है, मैं पहला आदमी नहीं, बहुत से लोगों ने किया और बहुत से लोग कर रहे हैं, और अभी आपको बहुत सी न्यूज़ आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, बहुत सी न्यूज़ आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक लहर है, राइट, और ये लहर बहुत से लोगों को आगे लेके जाएगी, बहुत से लोगों को 5 साल में 1 करोड़ से ऊपर की इनकम यहाँ पर सोची जा सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम 2 से 3 साल में यहाँ पर सोची जा सकती है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हर आदमी को चाहिए कि अगर भगवान ना करे उसको कल को कुछ हो जाए, तो वो एक ऐसी इनकम सोर्स ले रहा हो जो नहीं भी काम करे तो भी पैसा आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग देता है, 100% देता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आज विनफिनिट आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, राइट। और मैं चाहूँगा कि गौरव जी कुछ और पॉइंट्स हैं जो रख सकते हैं। मेरे सिंपल से 2-3 सवाल हैं जो समझ में शायद आए। लोग बोलते हैं, लोगों के भ्रम डाला जा रहा है, हमारी टीमों को, हमारे लोगों को भ्रम डाला जा रहा है कि 2 लाख प्लान नहीं चलते हैं, ठीक है सर, मेरे 2-3 सिंपल से सवाल हैं, लॉजिकली फैक्टर्स बात करता हूँ। एम्बिट एनर्जी, ज्यूनिस एंड एटमी 7-7 हज़ार करोड़ की कंपनी है सर, ये 2 लाख प्लान नहीं है क्या सर? आप अपनी पुरानी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, 21 साल वो कंपनी आज भी चल रही है, उसी कंपनी से सब लोगों का नाम बना, ब्रांड बना। दूसरी चीज़, छोटी सी बात जो समझने वाली है, किसी भी मल्टी लेक कंपनी में क्या कोई फ्रेशर आदमी पहले साल 2.5 से 3 लाख के पे ऑर्डर पहुँच सकता है, हाँ या ना? ये मैंने पहले ही पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या किसी भी इंसान ने मल्टी लेक कंपनी में अपनी साइड वॉल्यूम के लिए अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया है आज तक, हाँ या ना? तो ये भ्रम, वो कहते हैं ना, फैलाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, हमको पता है मल्टी लेक की दिक्कतें हैं, बट परेशानी ये है कि चुभ सबको रही है, बट लोग निकल नहीं रहे हैं क्योंकि पूजा अर्चना हो रही है,
मन नहीं था सारी बातें करने का, दिल बहुत दुख रहा है आज, बट पीठ पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और, तो करना पड़ता है सर। कौन नई लीडरशिप आज क्रिएटेड है आप बताइए, पीएसएस के अंदर आप नई लीडरशिप बनाई है? सर देखो, लीडरशिप क्रिएट करने का बिजनेस है ये, जहाँ पर नई लीडरशिप क्रिएट होती है। आप भी जानते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में से बताया जाता है कि एक नई लीडरशिप क्रिएट करनी है, बट नई लीडरशिप कौन सी क्रिएट हुई पिछले 2 सालों में? नई लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में किसी का भी पेआउट उठा लो, किसी का भी पेआउट उठा लो, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्च से लेके यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक का, नवंबर तक का किसी भी टॉप लीडर का आप पेआउट उठा लीजिए, वो बिल्कुल इस समय डाउन हो रखा है, आधे पे आ गया, आधे पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा गौरव जी का पेआउट कितना है पिछले महीने का या उससे पिछले महीने का, गौरव जी का पेआउट क्या है, राइट। सोनू शर्मा सर का पेआउट क्या है, राइट, ये चेक कीजिए क्या हो रहा है 2 साल के अंदर, ये क्यों डाउन जा रहा है, राइट। आपको रीजंस मिल जाएंगे, और जहाँ पर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर पेआउट्स डाउन जा रहे हैं, जहाँ पर नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, राइट, उस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरा डिसीजन निकलने का था, और मैं निकला हूँ, और मैं बहुत से लोगों को ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर काम करें, राइट, जहाँ पर आप नीचे लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, वो हमेशा ग्रो करेगा, वो हमेशा ग्रो करेगा जहाँ आप नीचे लोगों को सपोर्ट कर पाते हैं, राइट। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी हमने कुछ ही दिन हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करे हुए, कुछ ही दिन, ठीक है, बिना एयर के, बिना वाटर प्योरीफायर के, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डन 3 लाख रुपीज़ बिजनेस, वी हैव डन 3 लाख रुपीज़ बिजनेस इन जस्ट 3 to 4 days। 3 लाख रुपए का बिजनेस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और बिना एयर और बिना वाटर के, जी हाँ। और आपको मैं कमिटमेंट के साथ कहता हूँ, अगले 6 महीने का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ वो है 5 लाख रुपीज, जी हाँ, जिसको कमाने के लिए मुझे बहुत से नए लोगों को 1-1 लाख रुपए तक लेके जाना है, बहुत से लोगों को 2-2 लाख रुपए तक लेके जाना है, जी हाँ। और ये मैं कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ कि मैं लेके जाऊँगा, कमिटमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 ही लाख चलाने वाला हूँ, और इन 2 लाख में उनको सपोर्ट दूंगा, उनको सपोर्ट दूंगा। कैसा सपोर्ट? ऑब्वियसली मेरे पास 2 ही लाख हैं, अगर मेरे साथ 2 लोग आते हैं, उसके बाद मेरे पास कोई तीसरा बंदा आता है, तो वो या तो ए के नीचे जाएगा या बी के नीचे, तो ए का भी फायदा या बी का भी फायदा, क्योंकि मैं 2 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा सपोर्ट देता हूँ आज की डेट में। दूसरी चीज़, ये सपोर्ट तो मैं दे ही रहा हूँ, 2 ही लाख में आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमा सकते हैं सिर्फ 2 लाख के अंदर। और इससे भी बढ़िया चीज़, सबसे बढ़िया चीज़, एक ही आईडी पे कोई कैपिंग नहीं है, राइट। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विनफिनित का, राइट, कि जो मंजुनाथ सर हैं यहाँ पर, मंजुनाथ सर जो एमडी हैं, क्योंकि जब मैंने कंपनी को चेंज किया तो मैंने 4 चीज़ें चेक करी थी, 4 चीज़ें, पहला प्रोडक्ट, ठीक है, दूसरा पे आउट, तीसरा प्रोफाइल, और चौथा बैकग्राउंड एंड विजन, कि सोच क्या है, क्योंकि जहाँ भी जाना था एक ही बार जाना है ना जिंदगी में, क्योंकि ये हमारा पहला स्विच है, क्योंकि ये हमारा पहला स्विच है, क्योंकि इससे पहले हमने जो स्विच किया था वो डिसीजन मेरा नहीं था, वो लीडरशिप का डिसीजन था, ये डिसीजन मेरा है और अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो मंजुनाथ जी का जो विजन है, इसी साल कम से कम 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, जी हाँ, 400 to 500 करोड़ का टर्नओवर, ये दूसरे साल में कंपनी सोच रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि दूसरे ही साल 400 से 500 करोड़ का टर्नओवर, इट्स रिकमेंडेबल, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, राइट, क्योंकि दूसरा सपोर्ट जो हम लोगों को देने वाले हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहने वाला है, राइट। एजुकेशन सिस्टम में क्या रहता है, राइट, ट्रेनिंग्स रहती हैं, राइट, माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग्स रहेंगी, गोल्स के ऊपर ट्रेनिंग रहेगी, और ड्रीम्स के ऊपर ट्रेनिंग रहेगी, कैसे इनवाइट करना है, कैसे कॉल करना है, उसके ऊपर ट्रेनिंग्स रहेगी, कैसे हम लोगों को क्लोजिंग करते हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग्स रहेगी। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग्स के ऊपर हम पूरा सपोर्ट भी देंगे, और आप सबको मैं एक चीज़ बता देता हूँ सर, आप सबको
यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आप फ्यूचर में एक साल, दो साल, तीन साल अगर आपने काम कर दिया तो आप नहीं भी काम कर पाए, या भगवान ना करे काम करने के एग्जाम्पल कुछ हो जाता है, नहीं कर पाए काम, तो भी पैसा आएगा। ये इस प्लेटफॉर्म में पॉसिबल है और 100% आपको मिलेगा, राइट। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ और पॉइंट्स से जो एक फॉर्म से बिजनेस भेज दें आप लोगों को सारी चीज़ कंफर्म करने के लिए। हाँ जी सर, हमारे पास फॉर्म 26 है सर, आज मन तो बहुत कर रहा है मैं ड्रू कर रहा है। और ये जो मेरे लोग हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, सर आप ना नेटवर्क मार्केटिंग जो 1 करोड़ कमा लेंगे, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा और लाइव पे आके बोलूँगा सर, साथ में। विशाल जी पूछ रहे हैं लास्ट 2 महीने के लीडर्स के पे आउट बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, गौरव जी का पे आउट है करीब करीब 6.25 लाख के आसपास। जी हाँ, 6.25 लाख के आसपास है, 13 लाख से 6.25 लाख पर आ चुके हैं, राइट। एंड अगर मैं बात करता हूँ सोनू सर का, राइट, तो करीब करीब 18 लाख रुपए के आसपास का इनकम है, 32 लाख से। एक मैसेज मेरे अर्ली अप्लाइंग के लिए मिस्टर एसएन के लिए, यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेने के लिए ना एयर और वाटर की बिलिंग कराने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी इज एट द सेम लेवल, सबके साथ काम करा था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले महीने का पे आउट क्या है, मेरा क्या पे आउट है, राइट। आपको पता है कि जब मुझे ये चीज़ें क्लैरिटी हुई थी कि नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, जब ये क्लैरिटी हो गई थी मुझको, ठीक है, और ये क्लैरिटी मुझे आज से 3-4 महीने पहले होनी शुरू हो चुकी थी, और इसके लिए मैंने डिस्कशन भी किया था सोनू सर के साथ, इसके लिए मैंने डिस्कशन भी किया था गौरव भाटिया सर के साथ कि सर नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप बताइए कि लोग कैसे पैसा कमाएंगे जब नीचे वाले यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो ये बोल नहीं सकते क्योंकि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो कैसे गलत हो सकता है, तो वो कभी बोलेंगे नहीं कि प्लान में दिक्कत है, या वो कभी नहीं बोलेंगे कि मल्टी लेग में प्रॉब्लम है, कभी नहीं बोलेंगे, राइट। बट जो हो रहा था वो तो मैंने डिस्कस किया था ना, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, किसी के पास भी सोल्यूशन नहीं था। तो तीन महीने से मैंने सर्च करना शुरू किया था कंपनीज को, क्योंकि अब जहाँ भी जाना था एक ही बार जाना था, क्योंकि अपने लोग जो विश्वास कर रहे हैं वो उनके लिए करना है, एक बार करना है, पर जो भी डिसीजन लेना था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब ऐसा कोई डिसीजन लेता है आदमी तो एकदम से नहीं लेता, 3-4 महीने लगे। मल्टीपल कंपनीज से हमने मुलाकात करी, मल्टीपल MDs के साथ हमने मुलाकात करी है कंपनीज के, क्योंकि एक ही बार जाना था भाई, जहाँ जाना था, इसके बाद दोबारा नहीं, एक ही बार। और पहली जिंदगी, पहला चेंज है मेरी लाइफ का, ये फर्स्ट चेंज जो मैं खुद कर रहा हूँ, तो ऐसे तो नहीं लिया जाता। लास्ट 2 महीना 1 महीना मैंने बिजनेस नहीं किया, वेस्ट चीज के अंदर मैंने नहीं किया बिजनेस, मैं सिर्फ सर्च कर रहा था मैं। और आज वो सर्च खत्म हुई, यानी अभी कुछ दिनों पहले वो सर्च मैंने खत्म करी और इस प्लेटफॉर्म को मैंने चुना, राइट। तो मैं फिर से बता देता हूँ सर कि अगर आपको पे आउट पूछना है तो अपने लीडर्स का जाके पूछिए जो आज भी वेस्टीज में ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पिछले महीने भी काम किया, मेहनत तो करी है ना पिछले महीने, उससे पिछले महीने भी मेहनत करी है उन्होंने वेस्टीज प्लेटफॉर्म में, राइट। तो आप उनका पे आउट पूछिए जो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हमने तो काम बंद कर दिया था 2 महीने पहले ही, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सर्च करना शुरू कर दिया था। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप अपने लीडर्स से पे आउट पूछिए, गौरव भाटिया जी का पे आउट पूछिए, आप सोनू शर्मा सर का पे आउट पूछिए, राइट, आप टॉप लीडर्स का पे आउट पूछिए कि वो पे आउट क्या है, क्योंकि वो तो कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कर रहे थे 2 महीने से, राइट। और किसी को अगर डाउट हो तो सितंबर तक का फॉर्म 26AS मुझसे लेके जाए, 2.25 लाख रुपए का इनकम मैं दिखा दूंगा आपको, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लेके जाए, मेरे छोड़ने का पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे इनकम नहीं आ रही, मेरे छोड़ने का पर्पज़ यह है कि हमारे नीचे वालों को इनकम नहीं आ रही, और जब तक नीचे वालों को इनकम नहीं आएगी बहुत बड़ा बिजनेस कभी नहीं हो सकता नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने एक चीज़ सोची और मैं हमेशा अपने प्लान में भी बोलता हूँ, अपने ट्रेनिंग में भी बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ जोड़ने का काम नहीं है, ये बढ़ाने का काम है, बट यहाँ पर सिर्फ जोड़ा जा रहा है,
सिर्फ जोड़ा जा रहा है, अलग अलग लेग में जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड नहीं हो सकती सर, राइट। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर डिसीजन, क्योंकि हमने 3-4 दिन में ही बहुत शानदार बिजनेस किया और बहुत से लोग ने हमको कॉल किया और बहुत से लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट भी किया। और आने वाले टाइम पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो ये शुरुआत है मेरे दोस्त, शुरुआत है। अभी वेस्टीज ने अपना प्लान किया था जून में, जिससे जितने भी बड़े टॉप लीडर्स हैं उन सबका प्याउड गिर गया। जी हाँ, एक ये भी बड़ा रीजन था प्याउड गिरने का कि प्लान चेंज हुआ जून में। टॉप लेवल के लीडर्स जो 13-13 लाख पे थे वो सीधा 9 लाख पे आ गए, सिर्फ प्लान चेंज होने की वजह से जून में। और प्लान ऐसा बना दिया कि नीचे जितना ज़्यादा नीचे आप काम करोगे, यानी नीचे वालों के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। जब कंपनी का प्लान ही ये बोल रहा है कि नीचे वालों के साथ काम मत करो, अपनी नई लेग खोलो, तो क्या होगा आप बताइए, नीचे वाला कहाँ जाएगा बेचारा? क्योंकि साफ साफ बताया गया कि नई लेग करो तभी आपको पैसा बढ़ेगा, और नई लेग बनाओ तो पैसा बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि कैसे सिक्योर हो गया? सिंपल है सर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप किसी से भी पूछ के देख सकते हैं ये बात, जो भी काम कर रहे हैं वहां पर, कि कितना पेआउट बन रहा है, राइट। सो मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग जिंदगी में कुछ बड़ी सोच रखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक बार चीज़ों को समझने का अपने आपको चांस जरूर दीजिए। सिर्फ दिमाग बंद करने से कुछ नहीं होता, वो कहते हैं ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है, यही सिखाया जाता है ना, ओपन माइंड होना ज़रूरी है, चीज़ों को समझो। अरे समझो, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, पर पहले समझना ज़रूरी है ना सर। एक होता है रिएक्शन, चीज़ों को रिएक्ट करना, एक होता है रेस्पॉन्ड करना, बेटर क्या है? रिएक्ट मतलब कि आपने एक चीज़ सुनी और तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया, और एक क्या होता है कि आपने सुना समझा और फिर उसके बाद उसको रेस्पॉन्ड किया। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त, और मैं कहूँगा कि आप आइए हमारे साथ, आपके साथ मिलके बहुत बड़ा करेंगे यहाँ पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये इनिशियल स्टेज है हमारी, और जब हम इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ इस इनिशियल स्टेज में हैं उनको 100% पैसा आना ही आना है, क्योंकि ये प्लान ही ऐसा है, राइट। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक बार चांस दे समझने के लिए, राइट। सिर्फ कान बंद करके ना बैठे, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर समझिए उन्हीं से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग मिलेंगे आपको, राइट, जो कुछ कुछ बोलेंगे सर मर्सिडीज अचीवमेंट किया, 58 लाख रुपए का मर्सिडीज सर, छोटा कार नहीं है सर ये, 2.5 लाख रुपए का इनकम अचीव किया। तो 100% वो चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि काम करना आता है 100%, ठीक है। और ये डिसीजन जो आज मैंने लिया ना सर, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है मेरे लोगों के लिए, क्योंकि अगर उनको पैसा आ गया ना, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरे साथ करने वाले लोगों को पैसा आए, क्योंकि उनकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है यार, 100%, राइट। बहुत सी चीज़ें हैं आपके लिए, अभी बहुत से पॉइंट्स हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि इतने ही पॉइंट्स बहुत होते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को और कोई सवाल जो आपको जानना हो, एनी क्वेश्चंस जो आप जानना चाहें वो आप एक बार मुझसे पूछिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम बात कर लें एक दूसरे के साथ, राइट। अरविंद जी कह रहे हैं राइट डिसीजन सर, थैंक यू सो मच अरविंद जी, राइट। और विष्णु जी कह रहे हैं वेरी गुड, राइट। और ग्रेट ग्रेट विशाल जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सवाल मुझे अब दिख नहीं रहे ज़्यादा कुछ। अगर कोई सवाल है ये कुछ लोग, रितेश कुमार मिश्रा, विष्णु राठौड़, राइट, ये कौन लोग हैं भाई, राइट। भाई आपका प्याउड कितना है ये तो बताओ, रितेश आपका प्याउड कितना है?
राइट, व्हेन जब आप दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं तो पहले आप ये देखिए ना कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, राइट, उसके बाद बात करेंगे ना। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिया की नंबर वन कंपनी कहती है अपने आप को, उन्होंने पे आउट होल्ड कराया। सर आपको पता है जो भी पे आउट था, बात कर रहे हैं ना, ये नंबर वन कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग नंबर वन कंपनी, राइट, जिसने हमारा पे आउट होल्ड कर रखा है, राइट, गौरव मिश्रा जी का पे आउट होल्ड कर रखा है, मेरा पे आउट होल्ड कर रखा है, आपको लगता है कि एथिकल काम है? कौन ट्रस्ट करेगा इस कंपनी के ऊपर? आपने जो काम किया उस पे आउट का पैसा तो आपको मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मतलब जो भी काम हुआ हमारे नेटवर्क में हुआ ना, तो उसका पैसा हमें मिलना चाहिए कि नहीं, आप बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राइट, मेरे पिछले महीने का पे आउट इन्होंने होल्ड किया हुआ है। अब आप, वो तो एथिकल कंपनी है ये, किस एंगल से एथिकल होगी सर? और आज तक ये भी बता देता हूँ, वेस्टीज ने आज तक ऐसा नहीं किया, बट इस बार पहली बार वेस्टीज ने किसी का पे आउट होल्ड किया। मेरा और गौरव मिश्रा जी का पे आउट पिछले महीने का होल्ड है। आप बताइए ये एथिकल कंपनी है जो मैनिपुलेट हो जाती है बहुत से लोगों के कहने पर? और आप जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो सर बहुत कुछ है बताने को, सर अंदर की बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जो गौरव मिश्रा जी ने अभी फिर से लिखे हुए हैं। बचा कुछ नहीं है, बस जो लाइव देख रहे हैं वेट कर रहे हैं कि फॉर्म 26 से अटैच तो नहीं कर देंगे। और कोई डाउट हो, आप लोग बोलते हैं कि कंपनी खरीद रही है, मेरे पास फॉर्म 26AS है, जी हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या डील हुआ है। मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं आपके टॉप लीडर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव भाटिया सर की, राइट, कि क्या डील हुआ है। मेरे पास उसका फॉर्म 26AS है 2021 का, और इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता, राइट। आप बात कर रहे हैं पैसे लिए, पैसे तो इन्होंने लिए, 8 लाख रुपये का फॉर्म 26AS है जो कि 1 साल रेगुलर मिला है, जी हाँ रेगुलर मिला है, 8 लाख रुपए का, काम तो नहीं किया उसके लिए, राइट, 8 लाख रुपए आए हैं अकाउंट के अंदर, मैं दिखा सकता हूँ, पर्सनली दिखाऊंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो खरीदा तो वेस्टीज ने है ना यार, और अगर वेस्टीज खरीद रही है, राइट, तो ये क्या सही है? आप मुझे बताइए ये एथिकल है? आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ कांटेक्ट करके, मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर भी डाउट हो, कोई भी ऐसा डाटा आपको चाहिए हो मैं आपको शेयर कर दूंगा, दिखा दो फॉर्म 26S। मोनू जी तो फॉर्म 26S मैं भेज रहा हूँ, अभी लाइव में ही भेज रहा हूँ, अटैच हो जाता है, व्हाट्सएप ही करेंगे नहीं, अटैच कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये मोनू जी को चाहिए, पता नहीं किस कंपनी में, मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सारे कमेंट मार रहे हैं ये। मोनू जी मैसेंजर पे आ जाइएगा, ठीक है, फॉर्म 26S चाहिए मोनू जी आपको, गौरव भाटिया जी का, आप एक बार और बोलो मैं आपको भेजता हूँ, जिसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कितने पैसे मिले, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। दीपक जी आपने सारा स्टेटमेंट देखा है, कोई बात नहीं, ये भी देखिए, देख लिया होगा, समझ नहीं आया होगा आपको ना, राइट, ये भी देखिए कि 10 तारीख को 2 लाख रुपए का इनकम आया और 20 तारीख को 6 लाख रुपए का इनकम आया, फिर 10 तारीख को 3 लाख रुपए का इनकम आया, फिर 20 तारीख को, राइट, 5 लाख रुपए का इनकम आया। ये दो दो बार इनकम देती है क्या वेस्टीज? 10 तारीख को भी देती है और फिर 20 तारीख को भी देती है, कमाल है यार, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी, राइट। अगर आपको फॉर्म 26S चाहिए डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्म 26S, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, मैं एक एथिकल कंपनी में गया हूँ जहाँ पर पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, MG अब जहाँ पर MD सर ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है, पूरा का पूरा सपोर्ट, राइट। हमारे को आज कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई कोरियर की प्रॉब्लम आ रही है, कोई सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है, सारा का सारा सपोर्ट है आज यहाँ पर, राइट। कहीं पे कोरियर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ तुरंत मेल करके कोरियर होता है, सारा सपोर्ट दिया जाता है सर यहाँ पर, राइट। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, कॉन्टैक्ट कीजिए और
कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है मेरा, मैं चैट में लिख दूंगा, जब लाइव को मैं पोस्ट करूंगा तो वहाँ पे मेरा नंबर भी आ जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को तो विनफ्रिद ने खरीदा होगा सर, फॉर्म 26 देख लेना सर। अरबाज जी कह रहे हैं कि हमें विनफ्रिद ने खरीदा। अरे दोस्त दोस्त एक बात बताऊं, 2.25 लाख का इनकम आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, अपना खर्चा निकल जाता ना। आज अगर चेंज किया तो लोगों के लिए किया चेंज, जी हाँ, पहली बात। दूसरी बात, कोई कंपनी जो खरीदने बेचने की बात आप कर रहे हैं इस समय, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे खरीदा गया है तो शायद मेरी वैल्यू होगी इतनी, आप बता दो कितने में खरीदा हूँ, मतलब मुझे खरीदा होगा, एक नंबर भी बता दो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख नंबर बताओ। अरे सर, विनफ्रिद किसी को नहीं खरीद रही सर, लोग अपने आप विनफ्रिद को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये रेवोल्यूशन है, ये आने वाला फ्यूचर है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला एक लहर है फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं सच में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले तो आइए हमारे साथ मिलके बहुत बड़ा करेंगे, राइट। और बाकी थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त दिया मुझे, आपने हमारे साथ जो पल बिताए अभी कुछ मिनट्स जो हम लाइव रहे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3 चीज़ें लाइफ में इम्पोर्टेंट है सर, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, और ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आज विनफिनिट है, और ये प्रूव हो चुका है ऑलरेडी, और अगले 1 साल के अंदर ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रूव होती चली जाएंगी। बहुत से लोग देखते चले जाएंगे ये सोच कर कि नई कंपनी है, अभी तो आई है, ये सोच सोच के वो ग्रो करते देखेंगे, बट जब ग्रोथ हो जाती है ना दोस्त, तो बहुत लोग जुड़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम बनाने का टाइम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अपनी पहचान बनाने का टाइम है। एक पल ऐसा रहा होगा कि कभी जो सो कॉल्ड नंबर 1 कंपनी है, राइट, एक टाइम ऐसा रहा होगा कि जब उसने भी शुरुआत करी थी तो आज वहाँ पर जो लोग हैं उनका नाम है, बट क्यों कोई उनसे ऊपर नहीं जा पाया आज तक, क्यों नहीं जा पाया, उसका सिंपल सा रीज़न है, जो हमारा प्लान है, जो यहाँ का प्लान है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी मेरे को कोई लिख के भेज रहा था कि किसी ने बोला कि TSS में प्रोफेशनलिज्म है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, राइट, तो ये जो लोग कमेंट मार रहे हैं ये प्रोफेशनल लोग करते हैं, कोई स्टार डायरेक्टर है, कोई गोल्ड डायरेक्टर है, आप इनकी कमेंट्स तो पढ़ो एक बार, क्या ये प्रोफेशनल कमेंट्स हैं? और आप डिसाइड करो कि इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए आपको, और आपको लगता है कि आपको इन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। मोनू जी कह रहे हैं तुमसे मेंटेन नहीं होगा क्या, मर्सिडीज दाम लगाओ, समझ में नहीं आया मोनू जी पहली बात। अरे मैं कहता हूँ जो लोग सोच, जिन्होंने ये भी लिखा है ना कि मैंने मर्सिडीज ले ली, राइट, लिखा होगा ना, बहुत सारे लोगों ने मर्सिडीज ले ली, भाई मेंटेन नहीं हो रही, अब शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सोचने की हिम्मत तो करो, आप ले लो मर्सिडीज एक बार, जो बोल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर, आप लो ना एक बार मर्सिडीज, आप सोच बनाइए, आपने सोच बनाई है, हिम्मत करिए, एक बार मर्सिडीज लीजिए ना, तो आपको पता चलेगा, राइट। विष्णु जी पूछ रहे हैं कंपनी कौन सी है, जी कंपनी का नाम है विनफिनिट कंपनी का नाम है विष्णु जी, और डिटेल्स ये होंगी तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। भाई ये कुछ ही लोग हैं, ये इनको शायद भाड़े पे रखा है मुझे लग रहा है आज कमेंट्स डालने के लिए, कुछ लोग तो ऐसे पता है वो, कुछ लोग रिपीटेड मार रहे हैं, मतलब राइट, जैसे रितेश कुमार मिश्रा को मैं देख रहा हूँ, रिपीटेड लगे हुए हैं और कुछ काम की बात नहीं लिख रहे हैं भाई, जिनके नीचे ना पर डाले जा रहे हैं। हमारे साथ तो होने, जिनके नीचे हो, जिनके साथ काम कर रहे हो, उनके साथ काम करके उनके प्रायोरिटी बढ़ा लो भाई। और देखो वो फैक्ट्स होते हैं ना, हर चीज के पीछे फैक्ट्स अवेलेबल है, आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको एक एक फैक्ट दूंगा आपको, राइट। नंबर विष्णु जी, अभी मैं जब पोस्ट मारूंगा तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, राइट, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा 100% जब मैं आपको शेयर करूंगा। और सर आज दिल ना हल्का हो गया यार, हल्का पता क्यों है, क्योंकि यार जो डिसीजन लिया है ना उससे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, सुकून
एक सुकून है जिंदगी के अंदर, क्योंकि अब अपने लोग पैसा कमाएंगे, अब अपने लोग पैसा कमाएंगे, ये सुकून है सबसे बड़ा, राइट। सौरभ जी लिख रहे हैं, आप मेरे मेंटर हो, थैंक यू सो मच सौरभ जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट है तभी हम लोग हैं यार, राइट, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोग बनते हैं, राइट, नहीं तो हमारी क्या औकात थी यार, हम तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, राइट। ये तो आप लोग हैं जिनके प्यार की वजह से हमने जो भी अचीवमेंट करा है, ये सब आप लोगों का है। गौरव माथुर जी आए अभी, कैसे हैं गौरव माथुर जी, राइट। हालांकि कुछ लोग हैं जो सवाल पूछ नहीं रहे, मैं तो कह रहा हूँ कि सवाल पूछें तो कुछ बातें हो पाएंगी। और जैसे शब्दावली यूज करी जा रही है वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता, प्रोफेशनलिज्म छोड़िए, वो आपके संस्कार बताते हैं, आपकी परवरिश कैसी हुई वो बताते हैं। हाँ सचिन, सचिन जी बोल रहे हैं, सचिन राजपूत जी बोल रहे हैं कि मयूर चौधरी जी ने भी छोड़ा है। जी हाँ, मयूर चौधरी जी ने भी अभी अभी छोड़ा है और विनफ्रित को कनेक्ट किया है। अजय चड्डा जो DCD हैं उन्होंने भी छोड़ा है और विनफ्रित को कनेक्ट किया है। कोई तो रीज़न होगा ना यार, हवाबाजी तो नहीं हो रही ना कुछ, देर इज अ रीज़न, और सिंपल रीज़न है कि वो इतने सालों से काम कर रहे थे पर उनको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस प्लान में अगर काम करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर भागना पड़ेगा, और नीचे वाले लोग सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे नीचे वाले लोगों को, तो उन्होंने इस रीज़न की वजह से, उनका भी वही सेम रीज़न है जो मेरा रीज़न है छोड़ने का, राइट। एक बार फेस टू फेस मिल लो फिर इनसे। वेस्टिज ने सोनू जी से कितने में डील करी? मयूर शिंदे, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। विशाल गुप्ता सर, आप बता ही नहीं रहे हो, आप पूछो तो सही, क्या पूछना है आपको? बाइनरी प्लान है, जी हाँ सर, JB भट्ट जी, बाइनरी प्लान है ये, और पर ये बाइनरी विद जनरेशन है, मतलब 2 लाख जनरेशन प्लान है, राइट। और आज अगर आप चेक करेंगे, आप गूगल पे सर्च मारिए, पिछले 7 साल से जो भी कंपनी खुली है, जो भी कंपनी खुली है पिछले 7 साल से, देख रहा हूं कमेंट, वो सारी 2 लाख जनरेशन है, सारी की सारी 2 लाख जनरेशन है, कोई भी मल्टी लेग में नहीं आया पिछले 7 सालों में, राइट। वर्ल्ड की टॉप कंपनी में आती है एम्बिट एनर्जी, जो कि 2 लाख जनरेशन प्लान है, 15 सालों से चल रही है। तो इसीलिए आज 2 लाख जनरेशन प्लान का रेवोल्यूशन है, और यही रेवोल्यूशन है जिसकी वजह से बहुत से लोग आज विनफिनित में आ रहे हैं और आते रहेंगे, और अभी तो बहुत सारी न्यूज आएंगी, आप वेट कीजिए बस। थैंक यू अंकित जी, साथ में, और मैं कह रहा हूँ सब लोग वेट मत कीजिए। अमित सिंह पनवर जी कह रहे हैं, संजम सर, गौरव सर, हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच अमित सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, राइट। शंकर को लिया जी कह रहे हैं, माइंड ब्लोइंग डिसीजन सर, थैंक यू सो मच सर, शंकर जी, थैंक यू सो मच शंकर जी, शंकर जी, अच्छा अच्छा शंकर जी जयपुर, थैंक यू सो मच शंकर सर, राइट। और बाकी ये रितेश कुमार मिश्रा जी की तो घड़ी अटक गई है। अरे ये मुझे पता है किसने बनवाई है, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं तुम्हारी ये... अच्छा इस समय कुछ तो टेंशन है, इनकी इनकम होते हुए भी छोड़ा फर्स्ट यूथ आइकन, हाँ बिल्कुल, जो यूथ आइकन थे मयूर चौधरी, उनका इनकम 10 लाख रुपए था यार, 10 लाख रुपए का इनकम छोड़ के आए हैं, देर इज अ रीजन यार, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रीजन, और ये रेवोल्यूशन है दोस्त। नोकिया को भी एंड्रॉयड पे आना पड़ा, पहले नोकिया क्या कहती थी कि मैं तो अपना प्लेटफॉर्म कभी चेंज नहीं करूंगी, कहती थी ना नोकिया, बट अल्टीमेटली उसे एंड्रॉयड पे आना पड़ा, और अगर नोकिया ने उसी समय एंड्रॉयड पे चेंज किया होता तो क्या पता आज नोकिया क्या होती, पर आज नोकिया डाउन है, क्यों? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उसने सही टाइम पे चेंज नहीं किया। सैमसंग और बाकी मोबाइल आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने तुरंत चेंज किया। अब तो बदलाव जरूरी होता है जिंदगी में यार, बदलाव बहुत जरूरी है, राइट। और JB भट्ट कह रहे हैं टॉप लेवल इनकम क्रिएट फोर लाख, ये मैं समझा नहीं वैसे, JB भट्ट जी थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए इसमें। आराम से जमा रहे 10 लाख, सचिन जी कह रहे हैं आराम से जमा रहे हैं 10 लाख, राइट राइट। आप अपने भाई को कब ले जाएंगे? भाई साहब
कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर अभी मैं डाल दूंगा इस लाइव सेशन के बाद, राइट, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। और शंकर जी कह रहे हैं आपके निर्णय लेने के बाद लोगों की नींद उड़ गई है सर, और सही समय पर सही फैसला लिया। एब्सोल्युटली राइट, सही समय पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर डिसीजन। और अजीत सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट डिसीजन, अमन सर भी कॉल करता हूँ, राइट, थैंक यू सो मच अजीत जी, आपका प्यार और आपका सपोर्ट, और ये मेरा कमिटमेंट है अजीत जी, राइट, आप साथ में हैं तो बहुत बड़ा करेंगे मिलके, 100% कमिटमेंट है। विनफ्रीत को 18 महीने हुए हैं और 12 लाख पर मंथ अचीवर मिल गया है, बिल्कुल सर, 12 लाख पर मंथ 100% होगा, और राहुल मकरानी सर का इनकम 10 लाख रुपए ऑलरेडी पहुंच चुका है, 10 लाख रुपए 6 महीने में छोटा अमाउंट नहीं होता सर। और कोई अप्लाइन हमारे कहते थे कि फैक्ट्स और अचीवमेंट एक दूसरे को बैकअप दे रहे हैं, कोविड में खुली कंपनी 111 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, आसान है सब कुछ बंद होते हुए, सब कुछ बंद होते हुए लॉकडाउन के अंदर ये सब कुछ किया, ये आसान नहीं है। और मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ मंजूनाथ सर को, हैट्स ऑफ, एज सिर्फ 36 है और 45 लाख की इनकम को छोड़ दिया, पता है किस लिए? सिर्फ अपने लोगों के लिए, क्योंकि नीचे वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी, राइट। और उन्होंने जब ये प्लान लॉन्च किया, उन्होंने कंपनी लॉन्च की तो प्रूफ करके दिखाया, बहुत से लोगों ने बोला ये छोटा सा लड़का क्या करेगा बहुत से लोगों ने बोला कि ये छोटा सा लड़का क्या करेगा, तो उनका एक डायलॉग है बड़ा अच्छा, बंदूक की गोली भी छोटी सी होती है पर जब घुसती है ना तो क्या करती है वो आप भी जानते हैं, राइट। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता दोस्त, विजन होती है और सोच होती है, और सारा खेल सोच का ही है, राइट। और वो किसी ने कहा ना सोचने की हिम्मत तो करो, हमने सोचने की हिम्मत करी है, राइट। सो आई थिंक इस सेशन को एंड करते हैं फिर यहाँ पर, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, इस समय हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं सर, हमने इस समय बाहर निकले में हम दिन रात एक कर रखा है अपने लोगों के लिए, जो हमारे साथ ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ विश्वास करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये मेरा कमिटमेंट है सर, जो लोग हमें ट्रस्ट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक हमें ट्रस्ट किया है, राइट, वो एक साल दो साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री होंगे यहाँ पर, फाइनेंशियली फ्री, राइट। और फिर से बता रहा हूँ सर, यहाँ पर 2 लाख कमाना 3 लाख कमाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बस मेहनत की जरूरत पड़ेगी और मेहनत के साथ राइट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और प्लेटफॉर्म शानदार है हमारे पास। तीरथ राज जी 100% धमाल करेंगे फरीदाबाद में, पुराना वाला बहुत बढ़िया करेंगे तीरथ जी, आपका सपोर्ट आपका ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। सौरभ रजक जी पूछ रहे हैं वेस्टीज में क्या प्रॉब्लम है सर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर कि मल्टी लेग में लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, जो प्लान है वो ही बोलता है कि आप नई लेग बनाते रहो, आप गोल्ड बनो, आप स्टार बनो, आपका इनकम तभी ग्रो करेगा। अगर आप नीचे वाले को सपोर्ट करोगे तो जून में जो प्लान चेंज हुआ है ना उसमें आपको LOB नहीं आता, और LOB नहीं आता वो LOB सबसे बड़ी इनकम है, तो जब नीचे वाले को सपोर्ट नहीं करोगे तो नीचे वाला क्या करेगा, टिकेगा क्या, नीचे वाला काम कर पाएगा? कोई लिख रहा है कि छोटे को अच्छे कमेटी पढ़ने चाहिए ना कि 11 बजे उठते हैं सर, अभी तो नींद उड़ा रखी है ना, अभी तो हमने उड़ा रखी है सर। देखिए आप किसी के उस पर कमेंट कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी आपकी सोच आप कमेंट कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। बाइनरी में 2 लेग होते हैं, जब टॉप लेवल कंपनी का होता है 2 लेग पे ही इनकम आती है, बिल्कुल सही कहा आपने जेबी भट्ट जी, बाइनरी में सिर्फ 2 ही लेग होती हैं और आपको जो भी इनकम करनी है वो इन्हीं 2 लेग पे करनी है, और इन्हीं 2 लेग से आपको पूरा पैसा आएगा, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 40 लाख हो, आप जितना मर्जी कर सकते हैं सिर्फ 2 लेग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी लीडरशिप क्रिएट हुई है, हम बाइनरी कंपनी से ही आए थे, जब हम वेस्टीज में आए थे तो उससे पहले बाइनरी कंपनी में ही थे, राइट, जहाँ पर सोनू सर ने 30 करोड़ रुपए कमाए थे, राइट। तो बाइनरी कंपनी से 13 साल में लीडरशिप क्रिएट करी, तो आप ये सोचिए बाइनरी कंपनी के अंदर लीडरशिप क्रिएट हुई है, जनरेशन मल्टी लेग में नहीं हुई, ये सोचने वाली बात है सर, ये सोचिएगा सर। और ये बोलने से कुछ नहीं होता भाई, बोलने से कुछ नहीं होता, फैक्ट्स बोल रहे हैं मेरे दोस्त, फैक्ट्स,
और आप फैक्ट्स पे बिलीव कीजिएगा, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 2 लाख बेस्ट है सर विष्णु जी, 100% बेस्ट है, और जब हमारा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा इस बाइनरी के साथ तो धमाल कर देंगे हम, धमाल, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट ज्वाइनिंग पीपल, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग पीपल। लोगों को आप कितना ग्रो करा पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी थैंक यू सो मच यार, आप मेरे साथ हैं ये बोलकर आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, और मैं जानता हूँ कि अगर आप हमको ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट, और वो हम पूरी अच्छे से निभाएंगे। एक भी वेस्ट चीज का बनाया हुआ एम्बेसडर नहीं है इस पॉइंट पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सर आप सबका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे पे विश्वास करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर अभी शेयर कर दूंगा, राइट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, एंड इतनी देर बने रहने के लिए भी, अभी तक 86 लोग देख रहे हैं इस सेशन को, इस मीटिंग को 86 लोग देख रहे हैं, 44 राइट, और आई थिंक गौरव मिश्रा जी की उसमें भी 44 लोग हैं, तो ये करीब करीब 150 लोग के आसपास हैं। तो मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एटलीस्ट समय दिया, राइट, हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए, ठीक है, बाकी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, राइट, और हमारे पे आउट्स ये चीज़ें बताएंगे, 100% बताएंगे, राइट। सो गौरव माथुर जी बिल्कुल फ्यूचर प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अगर मैं बात करता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, राइट, 5 साल में हम 1 करोड़ रुपए यहाँ से सोच सकते हैं और कर सकते हैं, राइट, 5 से 6 महीने का टारगेट 5 लाख से ऊपर मैं खुद लेके चल रहा हूँ, और ऑलरेडी राहुल मकरानी जी ने ये प्रूव कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेआउट्स आप देख सकते हैं किसी के भी, वी आर मोस्ट वेलकम, और अपने डिसीजन अपने माइंड से लीजिएगा, राइट, किसी के बहकावे से, किसी के बोलने से नहीं, आप खुद डिसीजन लीजिएगा, आप फैक्ट्स देखिए, दोनों तरफ के फैक्ट्स देखिए और डिसीजन लीजिए, राइट। जीवान जी पूछ रहे हैं आपको कितना पैसा मिला, अरे दोस्त अगर मुझे पैसा मिला होता तो मैं लाइव नहीं बैठा होता, मैं स्विट्जरलैंड में बैठा होता मैं आपके साथ लाइव क्यों खेल रहा होता, मैं तो स्विट्जरलैंड जाता मस्ती से अपना है ना फैमिली के साथ घूम रहा होता। अभी तो हम दिन रात काम कर रहे हैं दोस्त, पिछले 4 दिन से तो हम ढंग से सोए नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत से लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई अपने ऊपर, कैसे सो सकते हैं दोस्त, है ना, तो बहुत से लोगों को ग्रो कराना है, उनके साथ काम करना है, और पूरा दिन रात एक कर देंगे, और हमारे साथ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंजुनाथ सर एमडी सर भी हैं, प्लस हमारे साथ राहुल मकरानी सर हैं, और दिन रात एक कर रखा है उन्होंने भी, वो भी बहुत मेहनती इंसान है, मैं तो उनसे मिल के बहुत इंस्पायर हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने देखा यार कितना मेहनती लोग, कितने मेहनती इंसान है यार वो, कितने मेहनती, आज भी इस लेवल पर आने के बाद, राइट, ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। बट जी या मंथली इनकम है, ठीक है, बाकी आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं नंबर अभी शेयर करूंगा यहाँ पर, राइट। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और फिर जल्दी ही लाइव आएंगे, अब फ्रीक्वेंटली लाइव आते रहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ठीक है। और जीवन जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर जब मैं ये लाइव को पोस्ट करूँगा, मेरा नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, राइट, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन कॉल, अगर मैं कहीं बिजी हूँगा तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, बट एनी टाइम यू कैन कॉल। इस समय हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की ग्रोथ जुड़ी है यार हमारे साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज का सेशन क्लोज करते हैं दोस्त, और थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एंड हैप्पी मॉर्निंग।